दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सुअर कीचड़ में क्यों रहते हैं। भारत में लोग सुअरों को अक्सर किसी कीचड़ या नाले में देखते होंगे। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये सुअर कीचड़ में ही क्यों घूमते रहते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल सुअरों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें पसीना नहीं आता है। इसके बजाय वो खुद को ठंडा करने के लिए कीचड़ में डूब जाते हैं। इस बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि हमने आपके लिए सुअरों के बारे में 5 रोचक फैक्ट्स को इकट्ठा किए हैं, ताकि आप उनके बारे में थोड़ा और जान सके और यह पता लगा सके कि आप इन जानवरों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। अक्सर हम यह देखते हैं कि सुअर बेहद ही गंदे जानवर हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सुअर वास्तव में साफ सुथरे जानवर हैं। वे जहां सोते हैं वहां शौच करने से इनकार करते हैं, साथ ही पसंद आने पर ही खाना खाते हैं। यहां तक कि नवजात सुअर भी आराम करने के लिए अपने सोने की जगह छोड़ देते हैं। सुअरों को पसीना नहीं आता, सुअरों के पसीने की ग्रंथियां ज़्यादा नहीं होती हैं, इसलिए वे कीचड़ में सोते हैं और ठंडा रखने के लिए पानी में तैरते हैं। कीचड़ में रहने का एक बोनस यह भी है कि सुअर की त्वचा को धूप से झुलसने से बचाने में मदद करता है। सुअरों में एक मानव बच्चे की बुद्धि होती है और उन्हें दुनिया के 5वें सबसे बुद्धिमान जानवर के रूप में स्थान दिया जाता है। वास्तव में सुअर किसी भी नस्ल के कुत्ते की तुलना में अधिक बुद्धिमान और प्रशिक्षित होते हैं। वे केवल 2 सप्ताह में अपना नाम सीखते हैं और जब उन्हें बुलाया जाता है तब आते हैं। यह सुअरों के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट में से एक है। मादा सुअर अपने बच्चों को दूध पिलाते समय गाती है। नवजात सुअर अपनी माँ की आवाज़ की ओर दौड़ना सीखते हैं और सुअर लगातार एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं। उनके पास 20 से अधिक अलग अलग ग्रांट्स और स्किल्स हैं। इनकी पहचान की गई है। भूख वक्त करने से लेकर साथियों को बुलाने तक की सीमा होती है। क्या आपने कभी सुअरों का ढेर देखा है? सुअर एक दूसरे के करीब सोते हुए एक दूसरे से जुड़े रहना पसंद करते हैं। अक्सर अपने दोस्तों को छूना सुनिश्चित करते हैं।